हेलो व्हाट्सअप गाइस, नए ब्लॉग के साथ नई सुबह के साथ आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं पंजिम से निकल रहा हूँ ग्रैंड आइलैंड के लिए, यहाँ पर जहाँ पर स्कूबा डाइविंग, स्विमिंग और पार्टी वगैरह की जाती है। तो आज मेरा गोवा का लास्ट दिन था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आइलैंड पे घूमा। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक का जरूर देखना। तो दोस्तों, हम फिलहाल ये 10 किलोमीटर समुंदर पार कर चुके हुए हैं और जो सामने आपको ये पोर्ट दिख रहा है, ये वास्को डी गामा का पोर्ट है। तो यहाँ से गोवा का सरहद ख़त्म होता है। तो फिलहाल हम बीचों बीच जाते हुए ग्रैंड आइलैंड की तरफ तो दोस्तों, आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, फाइनली हम ग्रैंड आइलैंड पहुंच चुके हुए हैं। तो आप सीन देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ पर पानी का बहाव ऊपर से नीचे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि किश्ती टाइटैनिक बन चुकी हुई है। और फिलहाल ये आप देख सकते हो, ये एक आइलैंड है जिसका नाम ग्रैंड आइलैंड बोला जाता है। यहाँ पर स्विमिंग, अपना स्कूबा डाइविंग, स्नोकलिंग और बहुत सारी एक्टिविटी की जाती है। तो फिलहाल हम पहुँचने वाले हैं, फिलहाल मुझे सामने की ओर बहुत सारे बोट्स वगैरह दिख रहे हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद पता लगेगा। और पानी काफ़ी, मतलब कि बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, आपको मैं अब क्या बताऊँ। दोस्तों, आप एक बार ज़रूर आइए यहाँ घूमने के लिए, तभी आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि यहाँ का इंजॉयमेंट क्या है। एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा, मतलब कि एक्सपीरियंस मुझे लाइफ में मिलेगा, और बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हो, इसमें आप वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ से मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और देखते हैं हम आगे वहाँ पर क्या है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि हम ग्रैंड आइलैंड के काफ़ी पास आ चुके हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे दूर से ही क्राउड देखने को मिल रहा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप हरियाली देख सकते हो, पानी देख सकते हो और मौसम का जो, मतलब कि वाइब्स आ रही है ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सामने बहुत सारे बोट्स जा रहे हैं, क्रू जा रहे हैं और यहाँ पर लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं। आप सामने देख सकते हो स्विमिंग हो रही है और काफ़ी मेरे ख्याल से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और क्रिसमस का ये, मतलब कि क्रिसमस का भी फेस्टिवल यहाँ से निकला है, तो मेरे ख्याल से। और दोस्तों, सामने देख सकते हो स्क्यूबा डाइविंग हो रही है, उन्होंने मास्क वगैरह लगा रखा हुआ है और आई थिंक उनको पहले ट्रेनिंग दी जा रही है स्क्यूबा के लिए और फिर बाद में यहीं पर ही स्क्यूबा डाइविंग की जाती है। तो काफ़ी, मतलब कि ये आइलैंड पे काफ़ी, मतलब कि लोग आए हुए हैं। और मुझे भाई साहब ने बताया था कि इस आइलैंड के बाद हम एक और आइलैंड पे जाएंगे जहाँ पर हमारा कहते हैं खाने पीने का और पार्टी टाइप का कोई प्रोग्राम होगा। तो आपको मैं और माहौल दिखा देता हूँ। काफ़ी पास आ चुके हुए हैं और पानी ब्लू ही ब्लू है और ये मशीन है जहाँ पर ये, मतलब क्या रफ्तार पकड़ती है ये, तो मतलब हमको इसने तो एक घंटे के अंदर ही 50 से ऊपर किलोमीटर इसने पार कर ही दिया होगा। और ये क्या माहौल है, काफ़ी मज़ा आ गया दोस्त। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, मैं अपने कैमरे से नहीं फ़ोटो शूट कर पा रहा, इसीलिए आपको क्वालिटी काफ़ी इसमें ठीक नहीं लग रही होगी। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कल पानी से कैमरा पानी में जाने से बहुत ही ज़्यादा बचाव हो गया था, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था। तो फिलहाल दोस्तों, आप देख सकते हो ये सीन वगैरह है सारा, और अब मुझे यहाँ पर वीडियो बंद करनी चाहिए क्योंकि मुझे अब भूख लगी है, थोड़ा कुछ खा लिया जाए। तो
तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों अगर कोई भी चीज़ आपको अच्छी या बुरी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, आपका समय शुभ रहे।